हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आप सीखेंगे इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में। इम्पैक्ट कॉस्ट जो होता है आपको एक स्टॉक में लिक्विडिटी बताता है। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतना कम इम्पैक्ट कॉस्ट होगी, राइट? तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों में, इम्पैक्ट कॉस्ट में वर्सेस लिक्विडिटी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितनी ज़्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट होगी उतना कम लिक्विडिटी होगी, राइट? तो इसीलिए जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं लाइक MRF हो गया एंड और भी बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं जिनकी मार्केट प्राइस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। उसमें इम्पैक्ट कॉस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह देखेंगे देन उसमें आपको इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो कम देखने को मिलेगी, राइट? यानी इंडेक्स में जब भी आप देखेंगे तो ये कैलकुलेट कैसे की जाती है बेसिकली इम्पैक्ट कॉस्ट? इसमें सबसे पहले आपको लेना है राउंड ट्रिप लॉस। राउंड ट्रिप लॉस क्या होता है? आप किसी भी स्टॉक में देखेंगे तो आपको बाय प्राइस एंड सेल प्राइस देखने को मिलेगी, जिसे आप बिड एंड आस्क प्राइस भी कहते हैं। तो बाय प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है थोड़ी, तो सपोज़ कीजिए कोई स्टॉक है जिसकी बाय प्राइस है 41,000 एंड सेल प्राइस उसकी जो है उससे कम होगी थोड़ी। एंड इन केस ऑफ हाईली इलिक्विड स्टॉक है कोई और वो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है देन आपको गैप काफ़ी ज़्यादा भी दिख सकता है। यानी सपोज़ कीजिए इतना ज़्यादा तो नहीं, तो इसमें हो सकता है 40,500 यानी 500 रुपये का आपको स्प्रेड देखने को मिल सकता है। स्प्रेड क्या होता है? बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहा जाता है, ओके? तो राउंड ट्रिप लॉस का क्या मतलब हुआ? आपने बाय किया एक पर्टिकुलर स्टॉक, राइट, इतने में, एंड अगर आप उसको सेल करने जाएंगे हाथों हाथ देन आपको 500 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो इसी चीज़ को कहा जाता है क्या? राउंड ट्रिप लॉस, सिंपल। तो ये क्लियर है अभी? एंड फिर आपको क्या करना है, इसमें से डिवाइड करना है, इसमें से आपको डिवाइड करना है एवरेज ऑफ बिड आस्क स्प्रेड, ओके? यानी सिंपल आपको क्या करना है, बिड प्राइस जो थी हमारी कितनी थी 41,000 एंड जो आपकी बाय प्राइस, एक ही बात है, बाय प्राइस जो थी आपकी 41,000 एंड सेल प्राइस आपकी थी 40,500, तो इसको आपको ऐड करना है एंड इसको डिवाइड कर देना है 2 से, देन आपका क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ बिड आस्क स्प्रेड, ओके? तो इसको जैसे ही आप एवरेज करेंगे एंड इसको डिवाइड करेंगे राउंड ट्रिप लॉस से देन आपका आ जाएगा इम्पैक्ट कॉस्ट। तो सपोज़ कीजिए इम्पैक्ट कॉस्ट आपकी आई एक पर्टिकुलर स्टॉक की 0.4%, ओके? ये इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो परसेंट में आएगी, तो ये आई 0.4%। एंड अगर आप निफ्टी की इम्पैक्ट कॉस्ट निकालेंगे यानी निफ्टी फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसका आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी इम्पैक्ट कॉस्ट, बिकॉज उसमें क्या होगा, ये हाईली लिक्विड है एंड ये कम लिक्विड है, राइट? तो यही डिफरेंस होता है इम्पैक्ट कॉस्ट इन स्टॉक्स एंड इम्पैक्ट कॉस्ट इन फ्यूचर्स, यानी इंडेक्स फ्यूचर्स जो होते हैं वो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इम्पैक्ट कॉस्ट का क्या मतलब होता है, सिंपल।